दोस्तों आज एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही और बांग्लादेश ने मात्र 47 रनों पर अपने शुरुआती 4 विकेट गंवा दिए। पिछले मैच में शतक बनाने वाले मेहंदी हसन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पहली गेंद पर नसीम शाह की गेंद पर फखर जमान को अपना कैच थमा बैठे, जबकि उनके साथ ओपन करने के लिए उतरे मोहम्मद नईम भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 25 गेंद पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हालांकि उन्होंने अपनी पारी में 4 शानदार चौके लगाई। उसके बाद बल्लेबाज लिटिन दास, जो कि चोट के बाद टीम में वापसी किए थे, वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और 13 गेंद पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कप्तान साकिब अल हसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के लिए 8 शतक की पारी खेली। उन्होंने 57 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन बनाई। उनका साथ दिया मुशफिकुर रहीम ने, जिन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए 64 रनों की शानदार पारी खेली और बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 5 शानदार चौके लगाए। इन दोनों के अलावा अन्य कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। हसीम हुसैन 16 रन, हफीब हुसैन 12 रन और तस्कीन अहमद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी की बात करें तो आरिश रऊफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 ओवरों में 19 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि नसीम शाह ने भी 5.4 ओवर में 34 रन दिए और 3 विकेट झटके। साहिन अफरीदी और इफ्तिकार अहमद को एक एक सफलता मिली और इस प्रकार बांग्लादेश की पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 38.4 ओवर में 193 रन पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान को जीत के लिए 194 रन का टारगेट मिला। टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत धीमी रही और पाकिस्तान ने पहले 9 ओवर में सिर्फ 35 रन बनाए थे। उसके बाद 10 ओवर में पाकिस्तान का पहला विकेट गिर गया। फखर जमान केवल 20 रन बनाकर आउट हो गई। उन्होंने 31 गेंदों का सामना करते हुए 3 शानदार चौके लगाई, जबकि उनके साथ ही ओपन करने इमाम उल हक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 शतक की पारी खेली और 78 रनों की शानदार पारी खेलते हुए 5 चौके और 4 शानदार छक्के लगाई। जबकि कप्तान बाबर आजम आज के मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 22 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 शतक की पारी खेलते हुए पाकिस्तान को जीत दिला दी। मोहम्मद रिजवान ने 79 गेंदों का सामना करते हुए 7 शानदार चौके और 1 शानदार छक्का लगाया और आगा सलमान 21 गेंद पर 12 रन बनाकर नाबाद लौटे। पाकिस्तान ने 194 रनों के टारगेट को 39.3 ओवर में हासिल कर लिया और सुपर फोर के पहले मैच को पाकिस्तान ने 7 विकेट से अपना नाम कर लिया और बांग्लादेश पर एक बड़ी जीत हासिल की है। सो दोस्तों, पाकिस्तान की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।